सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की रिक्वेस्ट को कर दिया है खारिज। जी हाँ, क्या ये रिक्वेस्ट थी और क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का इन रिटर्न, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है रिया चक्रवर्ती की रिक्वेस्ट को। मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ वक्त पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि आई एम गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड मैं अमित शाह सर से रिक्वेस्ट करती हूं विद माय फोल्डेड हैंड्स दैट सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि क्या है एक्चुअल में सच। बट जब सीबीआई इंक्वायरी हो रही है देन रिया चक्रवर्ती हैज फाइल्ड अ प्ली कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए एंड इट इज नॉट नेसेसरी, मुंबई पुलिस को लीगली ये केस हैंडल करना चाहिए। एंड उसके अलावा रिया चक्रवर्ती को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि ये केस बिहार पुलिस क्यों सॉल्व कर रही है। नाउ व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लाइड, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि केस कहाँ सॉल्व हो रहा है, केस बिहार पुलिस क्यों उन्होंने सीबीआई को केस दिया है या फिर केस सीबीआई के हाथ में है, क्योंकि वो खुद ही चाहती थी। तो अब जब सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व होकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है देन वाई इट इज अ प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है दैट सीबीआई इंक्वायरी हो रही है एंड इट इज ट्रू एंड इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल एंड अनलेस द ट्रूथ कम्स आउट। So, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की ये जो रिक्वेस्ट है सीबीआई इंक्वायरी कैंसिल कराने की, ये खारिज हो गई है। बट देयर इज डेफिनेटली अ वैलिड क्वेश्चन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई चाहिए थी जैसा उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो अब जब सीबीआई हो रही है देन व्हाट इज द इशू। सो एज अ व्यूअर आपकी क्या राय है इस चीज पर, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।